अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैं हूं नज़ीर अहमद। आइए आज की इस वीडियो में जानते हैं कि हम अपना इमिग्रेशन कैसे चेक करें, क्योंकि जब हम किसी कंट्री के लिए वीज़ा लगवाते हैं तो हमारा इमिग्रेशन होता है। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपना इमिग्रेशन चेक नहीं कर पाते हैं कि हम उसको कहां से और कैसे चेक करें। तो उसके लिए मैं आज सबसे आसान तरीका बताने वाला हूं कि कैसे हम आप अपना इमिग्रेशन चेक कर सकते हैं। तो बने रहिए, चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। सबसे पहले क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेंगे। क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद यहां टाइप करेंगे dofe.gov.np और इसको सर्च करेंगे। तो जैसे ही आप इतना लिख करके इसको सर्च करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज खुल कर के आ जाएगा। देखिए, मोबाइल का इंटरनेट स्लो होने के कारण ये अभी खुलने में लेट लगा रहा है। ये देखिए, हमारे सामने वैदेशिक रोज़गार का ये पेज खुल कर के आ गया। अब इसमें देखिए, सबसे पहला ऑप्शन है सर्च प्री परमिशन डिटेल, तो इसको आप स्क्रॉल करेंगे। और ये दूसरा वाला जो ऑप्शन है सर्च बाय का, इसमें सबसे पहला है एक पासपोर्ट नंबर, दूसरा है स्टिकर नंबर। तो हम और आप ज़्यादातर लोग, ये होता है कि अपना पासपोर्ट नंबर तो मालूम होता है लेकिन स्टिकर नंबर, जो वीज़ा का स्टिकर नंबर है, उसके बारे में नहीं जानते हैं। तो आइए आज हम आपको पासपोर्ट नंबर से सर्च करके दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर आप अपना पासपोर्ट नंबर टाइप कर दें, फिर उसके बाद यहाँ सर्च के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही सर्च के ऑप्शन पे यहाँ क्लिक करेंगे तो देखिए, यहाँ आपके सामने खुल कर के आ जाएगा। देखिए, हमारा ये पूरी डिटेल सामने आ गया है खुल कर के। इस तरह आप इससे पहले कहीं भी किसी भी देश गए थे, वहाँ का भी डिटेल, सारी की सारी चीज़ें आपको इसमें खुल कर के दिखाई देगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो दोस्तों लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए खुदा हाफिज़।